अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आज की डेट में देखा जाए कि जून 2021 में भी आपका बजट 20,000 रुपये है और आप 20,000 में कोई ऐसा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं जो कि आपको वैल्यू फॉर मनी हो और उसके साथ गेमिंग अच्छी प्रोवाइड करता हो, कैमरा भी एवरेज हो और बैटरी भी अच्छी खासी चल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको 8 ऐसे स्मार्टफोन बताए हैं जो कि आपको गेमिंग के साथ कैमरा लेवल अच्छा देते हैं, उसके अलावा बैटरी बैकअप इनका बहुत कमाल का होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमने रखा है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। यहां पे आपको 6.8 इंच स्क्रीन के साथ बैक साइड में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल है और साथ में एक AIA लेंस देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ मीडियाटेक का हीलियो G35 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं GPU की तो यहाँ पे आपको पावर VR देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको 4GB 64GB वाला वेरियंट 6000mAh बैटरी के साथ पाकिस्तान के ऑफलाइन मार्केट में 18,000 रुपये में मिल जाता है। नंबर 2 पे हमने रखा है रियलमी का रियलमी C3। यहाँ पे आपको 6.5 इंच स्क्रीन के साथ बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल मार्को 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको 5 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ मीडियाटेक का हीलियो G70 चिपसेट देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं GPU की तो यहाँ पे आपको माली G52 देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको 3GB 32GB वाला वेरिएंट 5000mAh बैटरी के साथ 10W की चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और ये पाकिस्तान के ऑफलाइन मार्केट में आपको 18,200 रुपये में मिल जाता है। नंबर 3 पे हमने रखा है वीवो का वीवो Y12S। यहाँ पे आपको 6.5 इंच स्क्रीन के साथ बैक साइड में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल है, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ मीडियाटेक का हेलियो P35 चिपसेट देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं GPU की तो यहाँ पे आपको पावर VR देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको 3GB 32GB वाला वेरियंट 5000mAh बैटरी के साथ 10W की चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और ये पाकिस्तान के ऑफलाइन मार्केट में आपको 18,500 रुपये में मिल जाता है। नंबर 4 पे हमने रखा है टेक्नो का टेक्नो स्पार्क 6। यहाँ पे आपको 6.8 इंच स्क्रीन के साथ बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल है, बाकी आपको 2+2 मेगापिक्सल कैमरास देखने को मिल जाते हैं। 8 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो G70 चिपसेट देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको 4GB 64GB वाला वेरियंट 5000mAh बैटरी के साथ पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में 19,000 रुपये में मिल जाता है। नंबर 5 पे हमने रखा है सैमसंग का सैमसंग A02S। यहाँ पे आपको 6.5 इंच स्क्रीन के साथ बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल है, प्लस में आपको 2 मेगापिक्सल मार्को 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 5 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ स्नैपड्रैगन का 450 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं GPU की तो यहाँ पे आपको एड्रीनो 506 देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको 4GB 64GB वाला वेरियंट 5000mAh बैटरी के साथ 15W की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और ये पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में आपको 19,500 रुपये में मिल जाता है। नंबर 6 पे हमने रखा है टेक्नो का टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। यहाँ पे आपको 6.6 इंच स्क्रीन के साथ 19Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है, 8 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 चिपसेट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं GPU की तो यहाँ पे आपको माली G52 देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको 4GB 64GB वाला वेरियंट 5000mAh बैटरी के साथ पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में 20,500 रुपये में मिल जाता है। नंबर 7 पे हमने रखा है रियलमी का रियलमी नजारो 30। यहाँ पे आपको 6.5 इंच स्क्रीन के साथ बैक साइड में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल है, साथ में 2 मेगापिक्सल कैमरा आप देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो G85 चिपसेट देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं GPU की तो यहाँ पे आपको माली G52 देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको 4GB 64GB वाला वेरियंट 6000mAh बैटरी के साथ 20,500 रुपये में पाकिस्तान के ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाता है। नंबर 8 पे हमने रखा है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स हॉट 10। यहाँ पे आपको 6.8 इंच स्क्रीन के साथ बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल है, प्लस में आपको 2 मेगापिक्सल मार्को 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एक लो लाइट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो G70 चिपसेट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं GPU की तो यहाँ पे आपको माली G52 देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको 4GB 64GB वाला वेरियंट 5200mAh बैटरी के साथ पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में 20,500 रुपये में देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी प्राइस लिस्ट आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में मैंने